आज मैं आपको सिखाऊंगी उपवास में खाने वाली व्रत कुकीज, जिसको फास्टिंग कोकोनट ननखटाई कुकीज बोलते हैं। नॉर्मली पूजा के टाइम जब आप व्रत रखते हो ना, तब आटा या तो मैदे का चीज नहीं खाया जाता है, उसी टाइम इस कुकीज को आप खा सकते हो या तो कभी भी इसको बना के खा सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिसास कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस कोलकाता। मैं शिव लिसा बड़वा, ओनर एंड फैकल्टी ऑफ लिसास कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस। तो चलिए आज का रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले आपको एकदम जो चिल्ड घी होता है ना, उसको पहले भीज करना पड़ेगा। आप चाहो तो बटर से भी बना सकते हो। घी को एकदम ठंडा होना पड़ता है। घी को एकदम फ्रिज में रख दीजिए। जब ये हार्ड हो जाएगा तब इस बोल में डाल के बीकर से बीट करके इसको फ्लफी करना पड़ेगा। बीटर को एकदम हाई स्पीड में चलाना पड़ेगा। स्टार्टिंग के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद देखिए ये सही हो जाता है। तो बीटर को हाई स्पीड में रख के घी को फ्लफी करके उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी 65 ग्राम शुगर पाउडर। ये नॉर्मली घर का पीसी हुई चीनी है। शुगर पाउडर डालने के बाद फिर से बीटर को ऑन करके हाई स्पीड में इसको बीट करते जाना है। तो देखिए ये फ्लफी होने लगा है। तो देखिए कितना अच्छे से फ्लफी हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 60 ग्राम समक फ्लोर। समक का आटा ये आपको ऑनलाइन में या तो कोई भी शॉपिंग मॉल में मिल जाएगा। अब मैं डाल दूंगी इसमें राजगिरा फ्लोर और जाएगा 20 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब कि सूखा नारियल का बुरादा, जो कोई भी ग्रोसरी शॉप में या तो ऑनलाइन में इजीली मिल जाता है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को ऐसे फिंगर से लेबल करके ऑलवेज डालिएगा। अब सब चीजों को एक साथ मैं घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्सिंग के टाइम आपको हाथों से ही करना पड़ेगा, इसी टाइम आपको बीटर का यूज नहीं करना है। तो देखिए जब मैं हाथों से पहले मिक्स कर रही हूँ ना, ये क्रम्बल जैसा बन रहा है। अभी भी ये डो फॉर्म में नहीं आया है। तो इसी कंडीशन में आपको थोड़ा थोड़ा मिल्क मिलाते जाना है इसके अंदर में। देखिए ये मुट्ठी तो बन रहा है लेकिन डो नहीं बन रहा है, तो इसीलिए इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर का मिल्क मिलाते जाइए। दूध को थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए, 1 टीस्पून करके। कितना दूध लगेगा ये आपको आटे के ऊपर डिपेंड करता है। आटा जितना पुराना होगा उसके हिसाब से आपको दूध डालना पड़ेगा। तो देखिए एक हाथ से दूध डालते जाइए थोड़ा थोड़ा, और एक हाथों से इसको ऐसे करके डो बनाते जाइए। तो देखिए पहले से अभी ये स्टिकी हो गया है, मतलब कि इसके अंदर में बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आ गया है। अब दोनों हाथों से प्रेस करते हुए डो बना लीजिए। सेमी सॉफ्ट डो बनेगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं। तो डो बन के रेडी हो गया है। अब मैं एक बोल के अंदर में एसोर्टेड नट्स ले लिया है, 1/4 कप पिस्ता एंड आमंड ले लिया है। आप आपके मनपसंद का कोई भी नट्स डाल सकते हो। अब मैं इसमें से 2 टीस्पून नट्स डो के अंदर मिक्स कर दिया है। पहले डो बनाने के बाद ही आपको नट्स को डालना पड़ेगा। पहले नट्स नहीं डालिएगा तो डो अच्छे से नहीं बनेगा। नट्स डालने के बाद फिर से डो को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इस डो को 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लूंगी और एक एक पोर्शन से मैं 3-3 कुकीज कट करके ले लूंगी। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो छोटा या तो बड़ा बना सकते हो आपके मन पसंद। तो पहले एक बॉल लेके हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए आपको देखिए ऐसे बॉल बनाना पड़ेगा, और हल्का सा प्रेस देके इसको ऐसे चपटा कर लीजिए।
बहुत ज्यादा फ्लैटन मत कीजिएगा क्योंकि कुकीज ना थोड़ा सा फुला फुला ही देखने में अच्छा लगता है। तो ऐसे सेम प्रोसेस से मैं हर एक बॉल बना लूंगी कुकीज के लिए। सब बॉल बना के मैंने रेडी कर लिया है। अब मैंने ये जो एसोर्टेड नट्स था उसको एक प्लेट के ऊपर ऐसे डाल के स्प्रेड कर लूंगी। अब एक एक कुकीज उठा के ऐसे नट्स के ऊपर रख के हल्का सा प्रेस कीजिए तो ऊपर में ऐसे नट्स लग जाएगा, स्टिक हो जाएगा। और उसके बाद हाथों से हल्के से प्रेस कर दीजिए। बहुत ज्यादा प्रेस मत कीजिएगा तो कुकीज क्रैक हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं हर एक कुकीज में ड्राई फ्रूट्स लगा लूंगी, देखने में अच्छा लगता है इसलिए ऊपर में ऐसे करके ड्राई फ्रूट्स लगा लीजिए। तो मैंने सब कुकीज के ऊपर में ड्राई फ्रूट्स लगा दिया है। अब मैं कुकीज को 150 डिग्री में कन्वेक्शन मोड में बेक करूंगी। आप इसको माइक्रोवेव ओटीजी या तो गैस में भी बेक कर सकते हो। तो एक बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने कुकीज को रख दिया है। थोड़ा सा गैप देके कुकीज को रखिएगा क्योंकि ये फूलेगा, इसीलिए गैप देना जरूरी है। मेरा मशीन बड़ा है इसीलिए मैं 150 में कुकीज को बेक करती हूँ। टोटल 25 मिनट्स लगा है मेरा बेक होने में। आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपका मशीन में कितना टाइम लग रहा है और कितना टेम्परेचर में ये बेक हो रहा है। किसी किसी का मशीन में 180 डिग्री में भी बेक होता है। मेरा मशीन में 150 में बेक होता है कुकीज। तो कुकीज बेक हो गया है। अब मैं इसको ट्रे के ऊपर रख के ही रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लूंगी। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर में, तब मैं इसको कंटेनर में रख के एयरटाइट करके रख दूंगी रूम टेम्परेचर में। एक से डेढ़ महीने तक ये अच्छा रहता है रूम टेम्परेचर में। बहुत ही क्रिस्पी बनता है खाने में और बहुत ही टेस्टी होता है। तो घर में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए टेक्सचर कितना बढ़िया से आया है। जब ऐसा क्रैकिंग आएगा ना आफ्टर बेकिंग, तो समझिएगा कि प्रॉपर ये टेक्सचर में निकल के आया है बेकिंग के बाद। तो घर में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसा लगा आज का रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा लिख के। और नया नया रेसिपी सीखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।